अगर आप भी कंसिडर कर रहे हो होंडा हॉर्नेट 2.0 को लेने की, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, 10,000 रुपये कम देके एक 150cc बाइक ले लूँ या 10,000 रुपये ज़्यादा देके एक 200cc बाइक ले लूँ। तो इन्हीं ऑर्डर डेल को सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 के ओनर मिस्टर अमन रावत। क्या अमन भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अमन भाई ने वैसे 2 महीने पहले ली थी ये बाइक एंड 400 किलोमीटर चलाया सिर्फ, ज़्यादा नहीं चलाया। बट इन 2 महीनों में और 400 किलोमीटर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें इनको आई हैं इस बाइक में, तो हमने सोचा क्यों ना उनका ओनरशिप रिव्यू बना लिया जाए। लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू इनका बनाएंगे, पर शॉर्ट टर्म ओनरशिप रिव्यू ले लिया जाए कि क्या क्या दिक्कतें इतनी जल्दी इस बाइक में उनको आ गई है, वो भी एक जाने माने ब्रांड से, होंडा से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। अमन भाई शुरू हो जाओ कि क्या क्या दिक्कतें आपका आपने अभी तक फेस करी। तो जैसा कि आपने बता दिया, इसको मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। तो पहली सर्विस सबको पता है 500 किलोमीटर 1 महीने में होती है, बट उनका हर मतलब 20 दिन में जब बाइक ख़रीदी थी तो उसके 20 दिन बाद ही उनका कॉल आने लग गया था बार बार सर्विस के लिए। और मैं ज़्यादा यूजुअली चलाता नहीं इसको, तो घर पे रहती है मोस्टली टाइम। तो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चली है। बट जब मैं सर्विस कराई तो सबकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है, बट मेरी वहाँ उल्टा हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ने लग गई इसमें सर्विसिंग के बाद। हाँ, सर्विस के बाद इसमें थोड़ी दिक्कतें आने लग गई थी। 3 मेजर जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने ठीक कराई थी। पहली थी इसकी कि इसका एग्जॉस्ट का, इसका एग्जॉस्ट में क्या हो रहा था कि जब हम इसको चला रहे थे तो थोड़ा सा चलाने पे इसके अंदर से ना साइलेंसर के अंदर से आवाज़ आने लग गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मतलब आवाज़ कैसी, वो अच्छी वाली एग्जॉस्ट की आवाज़? नहीं, नहीं नहीं नहीं, लोग अलग ही मार्केट लगवाते हैं या मतलब कैसी आवाज़? अरे वो अलग ही थी, जैसे अंदर से कुछ टूट के बज रहा होगा, जैसे नट वो कुछ वो अंदर से कोई पार्ट टूट के फिर वो बज रहा होगा अंदर से। तो फिर जैसे आप देख लो कि ये मैंने एग्जॉस्ट परसों ही नया लगवाया, मतलब सर्विस के बाद कुछ टाइम चलाने के बाद ही जैसे इसमें आवाज़ आने लगी थी, तो परसों ही मैं इसको चेंज करवा के लाया हूँ। और ये सर्विसिंग के बाद आपको दिक्कत शुरू हुई? पहले कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं, पहले गियर की दिक्कत हो रही थी इसमें। जो दूसरा मेरा मेजर प्रॉब्लम था वो गियर शिफ्टिंग का था। अच्छा, इसमें क्या मतलब अभी पहले एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं, सिंस एग्जॉस्ट की बात हम कर रहे थे। तो सर्विस के बाद दिक्कत हुई, तो आपने दोबारा से इसको चेंज करवाया? दोबारा से ले जाके नया सर चेंज कर दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेंज किया। लेबर कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। वो कंपनी के उन्होंने अपना आप ही, उन्होंने कहा ठीक है हम नया लगा के देंगे, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब बाहर से भी कोई वो तो है नहीं कि अगर मैंने गिराई होती तो बाहर से भी उसमें कुछ स्क्रैच होते, तो उसमें अंदर से प्रॉब्लम होती, तो उन्होंने खुद ही नया फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया। हाँ, एंड अमन भाई जैसे मैंने बाकी ओनर से भी कुछ बात करी थी तो वो एक बात दिखा रहे थे, एक बार कैमरामैन को जाऊंगा इधर आ जाए, जो उधर मस्ती करके पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो जैसे बाकी सारे ओनर्स बोलते हैं ना, जब आप इसमें पैर रखते हो तो आपका पैर यहाँ पे टच होता है, मतलब ऐसे अगर आप पैर रखते हो ना पीछे तो ऐसे करके ये टच होता है नीचे, तो इस पैनल का जो है कलर उड़ जाता है। ये भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं आपको? शायद थोड़ा सा ज़्यादा चली या पीछे पिलियन बैठे तो आए, लेकिन ये दिक्कत मैंने सुनी है काफ़ी सारे लोगों से कि ऐसा होता है कि इसका कलर उड़ जाता है। नहीं, ऐसी तो मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी ज़्यादा चलाई। हाँ, ये ज़्यादा चलाई नहीं, इसीलिए दूसरे नेगेटिव पे आ जाते हैं जो आपको मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। कोई और दूसरा था इसका गियर शिफ्टिंग का, वो स्टार्टिंग से आ रहा था। क्या हो रहा था कि जो गियर है इसमें, मतलब जब मैं अपशिफ्ट कर रहा था तो इसमें बार बार न्यूट्रल हो जा रही थी अपना आप। तो फर्स्ट से सेकेंड पे आते हुए? नहीं, सेकेंड के बाद से थर्ड फोर्थ पे और फिफ्थ में, जैसे अब मतलब सेकंड से ऊपर आप जा रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो तो न्यूट्रल। हाँ, वो न्यूट्रल हो जा रही है, कभी अटक जा रही गियर, उसके लिए पूरा दबाना, टाइट दबाना पड़ रहा, फिर जाके वो उसको पूरा जान लगानी पड़ रही, तब जाके उसमें शिफ्ट हो रहा था गियर। अच्छा, तो ये सर्विसिंग से पहले आ रहा था या सर्विसिंग ये के बाद? स्टार्टिंग से ही आ रहा था, वो सर्विस से पहले से ही। हाँ, तो सर्विसिंग में अभी ये ठीक हो गई है? हाँ, ये मैंने परसों ही ठीक कराया यही चीज़ भी। सर्विस के टाइम पे भी इन्होंने प्रॉपर ठीक करके नहीं दिया उसके, उसको भी मैंने वहीं पर ही ठीक कराया। मतलब जब सिटी राइड में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो कभी कभी मैं जब सिटी राइड में कॉलेज जाते हुए स्कूटी की जगह जब ये बाइक ले गया, तो जैसे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो ट्रैफिक में क्या हो रहा था, अब गियर शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही, मैं हल्का सा ऊपर कर रहा तो न्यूट्रल जा रही सेकंड के बाद ही, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे वो इशू फेस करना पड़ा। तब जाके मैंने मतलब परसों साइलेंट एग्जॉस्ट जब चेंज कराया तो उसी के साथ भी मैंने ये भी चेंज कराया। अच्छा, मतलब इनफैक्ट ये जो इशू बता रहे हैं, अगर ऐसे ही सभी हॉर्नेट में आ रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा फेटल हो सकता है, क्योंकि अगर आप सपोज़ 50-60 की स्पीड में चल रहे हो, सिटी में भी ओवरटेक कर रहे हो, और एकदम से आपने वो फोर्थ की जगह फिफ्थ गियर लगाना है और बाइक हो जाएगी न्यूट्रल, मतलब आप भगा रहे हो एकदम से
बाइक की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो पीछे से आके कोई भी ठोक सकता है, काफी सारा फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये अभी इशू फिक्स हो सका। इनफैक्ट इस बाइक का रिव्यू जस्ट हमने फिनिश किया है, तो उसमें मैंने बताया कि इसका गियर शिफ्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा। उस वो वीडियो आप ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, तो उसमें मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा। एक बार ये देखो यहाँ पर ये नट हल्की सी खुली हुई है, तो ये परसों ही ठीक हुआ है, ये इसलिए तभी आपको स्मूथ लग रहा है, इसका गियर शिफ्ट कराएंगे। ओके, तो मतलब काफ़ी स्मूथ हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो आप बता रहे थे, तीसरी थी इसकी एक फ्यूल मीटर की, क्या हुआ जब मैं ये दिखाने ले गया, ये प्रॉब्लम कराने ले गया, जब उन्होंने उनका फ़ोन आया कि आपका एग्जॉस्ट आ चुका है तो आप आ जाओ, तब मैंने वहाँ जाके देखा जो मेरा जब मैं ऑन कर रहा था इसको, तो ये फ्यूल मीटर जो है ये बार बार ब्लिंक कर रहा था अपना आप ही, ये जैसे ऑन होता है अभी, तो अभी ऐसा नॉर्मल है, बट ये क्या हो रहा था उस समय पर, ये बार बार ब्लिंक होने पर लगा हुआ था, ये पूरा ऊपर को खुल रहा फिर नीचे बंद हो रहा है, बार बार जब जब करने पे लगा हुआ था। तो मतलब वो लो फ्यूल की वजह से हो रहा था, कैसे हो रहा था? नहीं, फ्यूल तो था इसमें, पहले से फ्यूल तो था 2 लीटर के करीब, बट ये फिर भी ब्लिंक करने पे लगा हुआ था, तो उसी ने बताया मुझे भी आपको ये तीसरी प्रॉब्लम इसमें ये भी हो रहा है कि फ्यूल मीटर जो है ये बार बार ब्लिंक कर रहा, मैंने कहा तो इसको भी चेंज कर दो, तो उन्होंने चेक किया होगा इसका फ्यूल में गेज में दिक्कत होगी या अंदर जो भी दिक्कत होगी, उन्होंने खुद ही ठीक करके दिया। फिर वो भी इसका कोई चार्ज लिया उन्होंने? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जो इसका चेंज किया उन्होंने, इसके वो किया जो भी पार्ट्स में दिक्कत आ रही थी जो भी ठीक किया उन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो अमन भाई और कोई प्रॉब्लम आपको आई है हॉर्नेट 2.0 से अभी तक? और एक हाँ, इसका एक है बॉडी का मतलब इसका पूरा जो भी बॉडी का फ्रेम है पूरा प्लास्टिक का आप देख सकते हो जैसे, तो अगर कहीं भी ये गलती से लगती है तो पूरा पार्ट तो चेंज होगा ही, जैसे यहाँ पर भी देखो आप, अगर हल्का सा ऐसे ऐसे करते हो देखो पूरा मतलब पूरा फ्रेम हिल रहा है इसका, जो कि मतलब और इसके कंपैरिजन में एनएस वगैरह का देखोगे थोड़ा उनका प्लास्टिक तो होता है बट वो मिक्सचर होता है, तो उनका थोड़ा फाइबर मजबूत होता है, नीचे भी ये इन्होंने बस नाम का लगा रखा है, ये तो पूरा हिलने पे लगा हुआ है, तो अगर छोटा सा भी पत्थर लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है और टूटेगा ही टूटेगा। तो बिल्ड क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेटर हो सकती थी? हाँ, प्लस यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि ये थोड़ा गैप ये निकल भी रहा है। हाँ, वही चीज़ है, इसमें थोड़ा बिल्ड क्वालिटी उन्होंने सही नहीं दे रखी है। ये देखिए, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और जबकि इसे चलाए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मकड़ा क्यों ऐश कर रहा है यहाँ पे आके? और कोई इशू आपको आया? और कोई इशू तो अभी तक मेरे को आया नहीं, क्योंकि ज़्यादा अभी तक चलाई नहीं, तो अभी कुछ और ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू भी बनाएंगे, एंड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी थी उसमें बोलते हैं होंडा हॉर्नेट LED सेटअप तो दिया है, हेडलाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है, तो रात में आपने चलाया इसको? रात के टाइम ज़्यादा चलाई नहीं है, क्योंकि मैं रॉयल इनफील्ड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसके, मतलब ऐसी स्पोर्ट्स बाइक के अकॉर्डिंग। क्लासिक 350 निकाल लेता हूँ रात को और दिन में हॉर्नेट 2.0। अच्छा, तो आपका मतलब रात को LED ज़्यादा यूज़ नहीं किया? हाँ, बट मैंने सुना है कि इसका जो LED थ्रो है मतलब इतना अच्छा नहीं है। तो अमन भाई, एक और चीज़ जो मैंने सुनी है बाकी ओनर से कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी लो है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm का है जो काफ़ी फेयर है, लेकिन जैसे इसका जो साइड स्टैंड है वो थोड़ा सा नीचे आता है, तो साइड स्टैंड इसका नीचे लगता है, ऐसे आपको कोई इशू आया ब्रेकर? नहीं, मुझे तो इशू नहीं आया। जैसे मैं बाइक को थोड़ा सा उठाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे फ्रंट से तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा दिख रहा होगा, ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन पीछे से आप देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको कम लगता है, तो काफ़ी सारे ओनर्स ने ये कंप्लेन करी है कि इसको नीचे ये टच होता है नॉर्मल ब्रेकर्स भी। आपको कोई इशू आया ऐसा? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं आया, मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं आया, मैं क्योंकि हमारी कॉलोनी में भी स्पीड ब्रेकर बहुत थोड़े ऊँचे हैं, बट मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आया कि नीचे टच हो रहा है या वो ऐसा लग रहा है, तो मतलब NS के अकॉर्डिंग तो फिर भी थोड़ा ऊँचा है, तो मुझे कभी लगा नहीं कि ब्रेकर में लगा या कुछ ऐसा हुआ, इसका कोई मुझे कोई इशू नहीं आया। ठीक है, एंड काफ़ी सारे ओनर्स ने ये भी कंप्लेन किया है कि जब उनकी मतलब नई हॉर्नेट 2.0 उन्होंने ली थी तो ऑयल लीक हो रहा था उनके इंजन के ऊपर से, ऐसा कुछ आपको इशू? ऐसा भी कोई इशू नहीं आया, अब क्या पता शायद उन्होंने ज़्यादा चलाई तो उनके उस वजह से, और मेरा तो अभी लो किलोमीटर है तो अभी तो शायद ऐसा कुछ इशू मेरे को फेस करने को नहीं मिला है, बट आगे जाके देखते हैं होता है कि नहीं होता फिर वो। ठीक है, मतलब आपको ऐसा कोई इशू नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं आया अभी। तो अमन भाई, अब बात कर लेते हैं, ये तो बात होगी इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको इसके, इसको चला के? जैसे आप क्लासिक 350 चलाते रहते हो, NS 200 भी आपने चलाई है, उसके कंपैरिजन में कैसा लगा? कंपैरिजन में अभी तो ये नई लवेली है, तो 184 cc का इसका इंजन है, तो उस अकॉर्डिंग तो पावरफुल है इंजन अभी फिलहाल के लिए, बट लॉन्ग टाइम में देखते हैं कैसा रहेगा, बट अभी शॉर्ट जो जितना भी अभी मैंने चलाया है इंजन तो पावरफुल है और ऑलमोस्ट 126 km/h तक अभी खींच जाती है ये। अच्छा, मतलब मैक्सिमम स्पीड आप इसको 126 तक लेके गए? हाँ। ओके,
पिकअप की बात करें, इनिशियल पिकअप जो रहता है NS 200 और क्लासिक 350 के कंपैरिजन में कैसा है, किसका बेटर है तीनों में से? आपका तीनों में से मैं बात करूँ तो NS का अभी मैंने नया मॉडल चलाया नहीं है, बट रॉयल इनफील्ड का मैं अभी लेटेस्ट मॉडल चला ही रहा हूँ जो अभी 2021 के एंड में निकला है, वो भी घर पर है। तो पिकअप तो इसी का बढ़िया है थोड़ा बहुत, बट अगर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में होगा तो रॉयल इनफील्ड टक्कर दे ही देगी रॉयल इनफील्ड, क्योंकि उन्होंने रॉयल इनफील्ड का तो फिर बात ही अलग है जो नया मॉडल आया है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस आपको NS 200 से भी हॉर्नेट का बढ़िया लगा? ठीक है, तो राइड एंड हैंडलिंग की बात कर लेते हैं अभी। सिटी में जैसे आप चलाते हो तो कैसा इसका आपको राइड एंड हैंडलिंग लगा? राइडिंग हैंडलिंग स्पेशली मतलब ट्रैफिक में अगर आप जब चलाते हो बाइक, ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ तो एक तो इसका मेजर इशू आ जाता है लो वेट में। इसका जो बॉडी वेट है मतलब पूरा बाइक का जो वेट है वो 142 kg का है और मेरी हाइट है 5'11", तो मतलब अगर मैं इसको चला रहा हूँ और मैं अगर गलती से मतलब एक हाथ से पकड़ लेता हूँ तो थोड़ा मेरे को लगता है कि हाँ डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इसका वेट बहुत लो है तो सिटी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है लो वेट के हिसाब से। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका टायर काफ़ी चौड़ा दे रखा है अकॉर्डिंग टू NS 250, जो उसकी NS 250 आई है और जो NS 200 भी है उसके उनके अकॉर्डिंग सारी बाइक्स के अकॉर्डिंग इसका टायर बहुत ब्रॉड है, तो मतलब लीन वगैरह आप ले सकते हो, बट वहीं इसका नेगेटिव हो जाता है कि इसका बॉडी वेट वो साथ नहीं देता। अब क्या होता है अगर आप इसको चला रहे हो और इसका बॉडी वेट तो वैसे ही लो है और लीन मानना चाह रहे हो तो मतलब एक बार आपको फील होगा कि हाँ इसके बॉडी वेट लो होने की वजह से कहीं आप डिसबैलेंस ना हो जाओ। और सिटी में भी थोड़ा ये हो जाता है कि अगर आप गलती से मतलब एक हाथ आपका कभी कभी हो जाता है आपका अगर लॉन्ग टूर पे हो और आप क्या बोलते हैं एक हाथ छोड़ते हो तो आपको डिसबैलेंस सा फील होने लग जाएगा इसमें। ओके, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो इसका लाइट वेट है वो इसका प्रो भी है एंड कॉन्स भी है। हाँ। प्रो इसलिए कि सिटी ट्रैफिक में लो स्पीड में तो काफ़ी मजा आएगा आपको क्लोज कॉर्नर्स कट करने में। हाँ। लेकिन जैसे ही हाई स्पीड आता है तो थोड़ा डिसबैलेंस लगता है, लो वेट हो जाएगा वही फील होता है पूरा। ठीक है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस राइड एंड हैंडलिंग की बात होगी। अभी पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको हॉर्नेट 2.0 में अभी तक पसंद आया वो बता दीजिए। तो हॉर्नेट के इसकी मैं पहली बात करूँगा इसकी प्राइस रेंज की, ये मैंने CSD के थ्रू निकाली थी कैंटीन के, तो मेरे को ये 148 की पड़ी थी मतलब, और बाइक्स के अकॉर्डिंग ये 184 cc है, NS है 200 की वो ऑलमोस्ट 168 की है। तो उस हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें एक तो डिजिटल मीटर है पूरा, आप जैसे देख सकते हो इसका पूरा डिजिटल मीटर है, और एक इसका पावर पिकअप पावर भी अच्छी है इसकी, और टायर इन्होंने बढ़िया दे रखा तो वो तो अच्छा है। बाकी और तो मतलब स्मूथ है राइडिंग में, अभी इस जब मैंने इसका प्रॉब्लम्स इशू फिक्स कराई थी तो उसके बाद से थोड़ा ठीक चलने लगी थी, बाकी कंफर्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। मतलब आपने CSD से निकाला तो लगभग 10-12 हज़ार आपको सस्ता पड़ गया, तो 150 cc की प्राइस रेंज में आपको 184 cc की बाइक मिल गई। हाँ, अगर आप वैसे ऑन रोड की बात करोगे तो नॉर्मल आपको लगभग ये 160 के आसपास पड़ जाएगी ऑन रोड विदाउट CSD, थोड़ा सा 150 cc से आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये 150 cc की प्राइस में पड़ गई तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा आपको। ठीक है, और कोई पॉजिटिव पॉइंट आपको पसंद आया? और कोई पॉजिटिव पॉइंट मैं बात करूँ तो सिटिंग पोस्चर इसका बढ़िया है, मेरी हाइट 5'10" और 5'11" है, तो मतलब अगर मैं बैठता हूँ तो जैसे मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ तो मेरे को पूरा कंफर्टेबल है, मतलब मैं अगर चलाऊँ तो इसको देखो मेरा पूरा वो आ रहा है, फिट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। ओके, और कोई पॉजिटिव पॉइंट? और कोई पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो इसका माइलेज, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी मतलब जो अभी 150 आ रही है MT वगैरह, 160 आ रही है, 200-250 आ रही है, उनका माइलेज आपको थोड़ा लो मिलेगा 40-45 के अकॉर्डिंग, बट इसका जो कंप्लीट क्लेम है वो 57.34 के आसपास है। ओके, तो इसका माइलेज कंपनी क्लेम तो बहुत ज़्यादा देती है, बट जिस अकॉर्डिंग मैंने चलाई है मतलब आप 48 या 47 किलोमीटर पर लीटर तो दे देगी आराम से आपको। आपने कोई माइलेज टेस्ट वगैरह किया था इसका जो आप 48 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हो? पर लीटर टेस्ट में उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, मतलब मैं मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर यहाँ से दूर है मेरे घर से, वन साइड, हाँ वन साइड का 24, तो मतलब बोथ साइड हो गया 48 किलोमीटर, तो एक दिन मैं ले गया था, मैंने ऑलमोस्ट 120 का तेल लगाया था इसमें, तो वहाँ से मैं वापस पूरा पहुँच गया था, फिर भी इसमें फ्यूल बचा हुआ था, उस अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, मतलब मैंने टेस्ट करा हुआ इसीलिए बता रहा हूँ। ओके, तो 48 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इजीली बाइक दे देती है सिटी में, और हाईवे में जाओगे तो और थोड़ा बेटर मिलेगा। हाँ, और हाईवे में तो बेटर मिल जाएगा, और आप इकोनॉमी में चलाओगे तो फिर तो मिल जाएगा। तो उनमें जैसे काफ़ी ओनर से हमने बात करी थी तो ये भी इशू आ रहा था काफ़ी लोगों को कि जो रियर ब्रेक है
वो मारने पे थोड़ा नॉइज सा करता है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं? मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया, मेरे को कभी नॉइज नहीं आई, जबकि इसका सिंगल चैनल है ABS, सिंगल चैनल ABS मिलता है, राइट? डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी नहीं है, नहीं कंपनी ऑफर नहीं करती है। वैसे ब्रेकिंग की बात हम कर ही रहे हैं, तो इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी ठीक है इसके अकॉर्डिंग, वही है लो बॉडी वेट, तो थोड़ा आपको अगर आप हाई स्पीड में और एकदम से ब्रेक मारते हो तो फ्रंट ABS है, ऑब्वियस ही बात है आपको थोड़ा वो एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब हल्का सा लो बॉडी वेट की वजह से आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी। प्लस सिंगल चैनल ABS है, हाई स्पीड पे अगर आप पीछे वाला ब्रेक मारते हो तो एकदम जाम हो जाता है एंड स्केट बहुत जल्दी करने लगती है बाइक। लाइट वेट है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि लाइट वेट की वजह से स्केट बहुत जल्दी करने लगती है बाइक। ठीक है, तो ये हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी माइलेज की बात हमने कर ली है, सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका सर्विस जैसा एक्सपीरियंस आपने बताया कि पहली सर्विस के बाद दिक्कतें आपको शुरू होगी सॉल्व होने के बजाय, तो सर्विस एक्सपीरियंस होंडा के साथ कैसा है अभी तक आपका और कितना एक सर्विस की कॉस्ट आती है इसकी? तो जैसे मैंने बताया था आपको कि पहली सर्विस इसकी ऑलमोस्ट 22 डेज में हो गई थी, तो इसका जो सर्विस कॉस्ट था मुझे अराउंड 748 के आसपास पड़ा था, जिसमें लेबर चार्ज नहीं था, बाकी सब फ्री होता है, इसमें इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज हुआ था, तो उस हिसाब से मतलब दूसरी बाइक्स के अकॉर्डिंग में कंपेयर करूँ तो इसका सर्विस कॉस्ट ठीक ठाक है, 748 ज़्यादा हैवी कॉस्ट नहीं है। तो और बात करूँ इसकी सर्विस की, तो मैं वही बात करूँगा कि सर्विस जब हुई थी उसके बाद से थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, तो मेरा इसमें नेगेटिव व्यू ही रहेगा कि हाँ सर्विस के बाद मुझे जब ज़्यादा दिक्कतें होगी तो मैं वो नहीं कर सकता उनके साथ कि हाँ उन्होंने सही करा। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब ट्रीट कैसा करते हैं आपको? ट्रीट तो अब ऐसा होता है कि वहाँ जाके तो वो करेंगे ट्रीट अच्छे से कि हाँ सर आपकी सर्विस का टाइम हो गया, जब तक फ्री सर्विस रहेंगी अच्छे से बोलेंगे वो करेंगे, बट जब सर्विस होके आ गई तो उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 महीना वेट करना पड़ा इसके एग्जॉस्ट का पार्ट आने के लिए, फिर उसके बाद भी मतलब 10-12 दिन लग गए मुझे सब कुछ इशू वगैरह फिक्स कराने में। तो सर्विस एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था आपका? हाँ, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। तो अमन भाई, इसकी सर्विस इंटरवल की बात करें तो कितने टाइम में इसकी सर्विसिंग होती है और या कितने किलोमीटर पे होती है? तो सर्विस की बात करूँ तो पहली सर्विस जो है वो 30-45 डेज के बीच में 500-1000 किलोमीटर पे, और दूसरी सर्विस 5000-6000 किलोमीटर पे 6 मंथ में होती है। अच्छा, या 6000 किलोमीटर हो जाए या 6 महीने हो जाए उस पर एक बार होगी, तो इस हिसाब से साल की दो सर्विस इसकी बनती है। एक सर्विस की कॉस्ट आप बता रहे हो लगभग 750 रुपये आती है, तो साल की जो इसकी सर्विस कॉस्ट आएगी वो लगभग 1500 रुपये आएगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप NS200 या RTR 200 से कंपेयर करोगे तो उनकी एक सर्विस की कॉस्ट अराउंड 1500-1600 रुपये जाती है एक सर्विस की कॉस्ट, और उसमें 3-4000 रुपये एक बार होती है उनकी सर्विस, मतलब साल में उनकी लगभग चार से पाँच सर्विस होती है। तो उसका इनफैक्ट हमने रील भी बनाया था RTR का, जिसमें वो उसकी सर्विस कॉस्ट एक साल की लगभग 6000-7000 रुपये आ रही थी। वहीं आपको होंडा हॉर्नेट की सर्विस कॉस्ट जो है लगभग 1500 रुपये आएगी, फ्री सर्विस की बात हम कर रहे हैं, अगर पेड हो गए तो इसमें 500-600 रुपये बढ़ जाएंगे, लगभग 2-2500 रुपये एक साल में सर्विस कॉस्ट आएगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड, कूडोज टू होंडा फॉर दैट। लेकिन ये थोड़ी है कि सर्विस आप सस्ती दे रहे हो तो पार्ट ऐसे दे दो कि नई बाइक में चेंज होने लगेंगे। तो अमन भाई, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए जो पूछने थे मुझे, लास्ट दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला, जब आप होंडा हॉर्नेट ले रहे थे कौन कौन सी बाइक आपने कंसिडर करी और होंडा हॉर्नेट को ही क्यों चूज़ करा आपने, पहला क्वेश्चन ये। तो चॉइस की बात करूँ तो एक्चुअली ये मेरे भाई की चॉइस थी, उसको डेली ऑफिस नीड थी, तो उसने कहा उसको एक बेटर माइलेज और परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए थी, तो दो बाइक आई थी चॉइस में, एक तो पहली हीरो की एक्सपल्स नई वाली, सिमिलर प्राइस रेंज में वो भी, हाँ, और फिर दूसरी थी ये हॉर्नेट 2.0। ठीक है, तो एक्सपल्स जब हम देखने गए तो उसकी हाइट थोड़ी ऊँची थी, तो वैसी इंडियन फैमिली है, पेरेंट्स है, तो मम्मी को वो हाइट ज़्यादा लगी, तो मम्मी ने कहा इसको रहने दो क्योंकि घर के काम के लिए भी आ जाती है बाइक, तो फिर माइलेज के अकॉर्डिंग फिर सब पूरा सब कुछ देख दुख के फिर हॉर्नेट को चूज़ किया हमने, तो ये हॉर्नेट मेरे भाई ने वो करी थी। अच्छा, होंडा हॉर्नेट इसलिए आपने चूज़ करा। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या किसी और को होंडा हॉर्नेट लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो क्यों, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए? ओके, अगर मैं लेने की बात करूँ तो अगर आपका प्राइस 160 तक है, आप 160,000 तक अफोर्ड कर सकते हो तो, और माइलेज चाहिए तो बेटर है ये हॉर्नेट। अगर किसी का बजट है 160 के अंडर उसको बाइक चाहिए तो हाँ मैं प्रीफर करूँगा, और माइलेज चाहिए, माइलेज भी अच्छा है, परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। ठीक है, अगर आपका आपको और अच्छी बाइक चाहिए, मतलब आपका आपका बजट है तो आप और अच्छी बाइक्स पे जा सकते हो, जैसे अभी N250 आई है MT, अगर आपको
वैसे उसमें चाहिए, लुक्स में चाहिए, तो MTB है, बढ़िया है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप स्टिल कन्फ्यूज्ड हो होंडा हॉर्नेट आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, जैसा मैं बताया इसका रिव्यू जस्ट हमने फिनिश किया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अमन भाई ने रिकमेंड कर दिया, अगर आपका बजट 160,000 के आसपास है, आप एक 150cc बाइक लेना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के आप इस बाइक को ले सकते हो। परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा, प्लस माइलेज जैसे इन्होंने बताया 48 किलोमीटर पर लीटर का इनको माइलेज सिटी में ये बाइक दे रही है, जो कोई 150cc बाइक भी आपको सिमिलर ही माइलेज देगी। बट इसमें 184cc का इंजन आपको मिल रहा है, तो पावर उन 150cc बाइक से बेटर हो जाती है इसकी, तो आप होंडा हॉर्नेट बिल्कुल चूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना अगर कोई भी आपका डाउट है होंडा हॉर्नेट से रिलेटेड, अमन भाई ज़रूर उसका आंसर करेंगे, नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।